आज कई दिन बाद धूप निकली है, बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ा सा धूप में आई हूँ क्योंकि ना कपड़े भी सूखने डाले हैं वो, और इधर थोड़ा सा आंवला का अचार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और सुबह सुबह धूप में कपड़े डालने के बाद आंवला जो है ऊपर ही डाल आई थी मैं सुखाने के लिए। आंवला थोड़ा सा बॉईल किया था, लेके आई थी, कई दिन हो गए थे रखे हुए और उसको ना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि घर में रिलेटिव्स आए हुए थे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था एक्स्ट्रा काम करने का। तो फिर मैंने आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सुबह सुबह बॉईल करके और धूप में थोड़ी देर सुखाने के लिए रख दिए हैं। उसके अचार बनाऊंगी तो आगे आगे आप मेरे ब्लॉग में पूरे बनाए रहिएगा, मैं आपको अचार की रेसिपी बना के दिखाऊंगी कैसे मैं अचार बनाती हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम मसाले और कम ऑयल के साथ। तो यहाँ पर मैं कर रही थी सूप गर्म जो मैंने बनाया था सुबह को, और टाइम करीब हो रहा था 3 बजे का टाइम हो रहा था, 3:30 बज रहे थे। खाना पीना सुबह सब कुछ हो चुका था तो मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, बस उतना ही किया था सुबह कपड़े धोए थे वो छत पे डाल के आई थी और आंवले को बॉईल करके उसको डाल के आई थी। फिर नीचे आके बेटी को भूख लगी तो छोटी छोटी भूख के लिए, फिर मैंने पतिदेव भी आ गए थे तो बस यहाँ पर ना मैं बटर डाल के थोड़ा सा इसमें एक लौंग डाल के और सूप को गर्म करूँगी। सूप मैंने पहले ही बना के रख लिया था सुबह ही कि फटाफट जब खा पीना होता है ना तो तभी गरम कर देती हूँ और बटर डाल के, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस उनके लिए, दोनों लोगों के लिए मैंने सूप को गरम किया, बेटी के लिए और हस्बैंड जी के लिए। यहाँ पर सूप गरम जब हो जाएगा तो उनको दे दूँगी, फिर मैं ना छत पे जाऊँगी कपड़े उतार लूँ। और ये देखिए सूप, और कितना अच्छा कलर आया है इसका। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ कई बाहर पिछले ब्लॉग्स में शेयर भी की है। तो यहाँ पे ना मैं इसमें चुकंदर डाल देती हूँ, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। थोड़ा सा डाल दिया है बटर, और गर्मा गर्म सूप पियो ना तो ये बहुत ही फ़ायदा करता है। गला ख़राब हो तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है गले में। तो और दोनों लोगों को दे दूँगी, अभी मेरा मन नहीं था पीने का, मैं बाद में पीऊँगी। तो यहाँ पर उन पतिदेव को और बेटी को दे दिया है जो दोनों लोग रजाई में बैठे हुए थे। और ये जो गुड़ रखा है ना ये लेके आई थी मैं अपने लिए मूंगफली के साथ खाने के लिए। फिर मुझे याद आया कि छत पे पड़े हुए हैं कपड़े और टाइम हो रहा था करीब 4 बज रहे थे, तो सारे कपड़े उतार के ले जाऊंगी क्योंकि इसी समय से ना ओस पड़ने लगती है, मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो सब कपड़े बिल्कुल सूखे भी नहीं थे अच्छे से, जो कुछ सूखे थे थोड़े बहुत वो मैं नीचे उठा के रख ले जाऊंगी, और बाकी के ना बीच में ही जहाँ पर ना तार बंधा हुआ है जीने से ऊपर, बीच में थोड़ी सी जगह है वहाँ पर तो गेट के अंदर ही, तो बस उसी पर सब फैला दूँगी। और फिर थोड़ी देर ना मैंने फाइबर डाला जाल पे जो जाल खुला हुआ था, उसके बाद थोड़ी देर मैंने वॉक किया करीब आधा घंटा। वॉक करने के बाद मैं नीचे आ गई थी चाय के लिए, सबका ऑर्डर आ गया था, टाइम हो रहा था करीब 5:30 का। तो सब यहाँ पर मैं चाय बनाने लगी और सिंक के नीचे वाला पाइप निकल गया था, तो वो मैंने हस्बैंड जी को बोला कि इसको संभाल दो, तो बस उसी को वो संभालने में लगे हुए थे। पता नहीं कैसे निकल गया था, काफ़ी गंदा हो गया था तो साफ़ वगैरह मैंने कर दिया था। इधर मेरी चाय भी बन रही थी और पापा जी मम्मी जी को भी चाय दी और फिर हम लोगों ने भी चाय पी। टाइम करीब 5:30-6 का हो ही जा रहा था, फिर खाना भी बनाना था मुझे। तो देखती हूँ मैं खाने में मुझे क्या बनाना था। अब मटर रखी हुई थी चिली और आलू की सब, आलू भी रखे हुए थे और समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्योंकि मटर की सब्ज़ी मम्मी पापा जी नहीं खाते हैं, उनको ना प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ मटर बादी होती है इसलिए। तो बस यहाँ पर ना चाय बनाने के बाद पीने के बाद फिर मैं आ गई थी, आंवला सूखे रखे हुए थे तो उनको भी मुझे अचार बनाना था। तो उसमें ना मसाले में मैं ना सिर्फ मेथी सौंफ और राई को मैंने दरदरा सा पीस लिया था मिक्सी में, और मैंने उसको सेका नहीं था क्योंकि ना गरम तेल में मैं उसको डाल दूँगी तो वो अपने आप ही सिक जाएगी। तो आंवला भी बिल्कुल अच्छे से इनका मॉइस्चर ख़त्म हो गया था, तो मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने रखा, खूब अच्छे से गर्म हो गया। उसके बाद ठंडा किया, थोड़ा ठंडा किया, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं। फिर उसमें हींग डाली और कश्मीरी लाल मिर्च डाली, हल्दी डाली और नॉर्मल वाली मिर्च डाली, आप जितना तीखा खाएं उतनी डालें अपने अकॉर्डिंग, अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। फिर उसको डाल के मैंने मिक्स किया और मैं जो मसाला मैंने दरदरा सा कूटा था ना वो भी इसमें मिक्स कर दिया, और तेल गर्म था इससे ना इसके सारे मसालों के अच्छे से
भुनाई हो गई और जला भी नहीं, हमें जलाना नहीं था, बहुत हल्का सा वैसा करना था जो तेल में हो गया था। तो थोड़ी सी मैंने मिर्चें भी हरी वाली काट के रखी थी ना अचार के साथ डालने के लिए आंवले के, तो वो भी डाल दी और मैंने आंवले भी डाल दिए। फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया और अपने स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाला। नमक ना किसी भी अचार में नमक हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना चाहिए, क्योंकि ना अचार इससे सुरक्षित रहता है, काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और फिर थोड़ी सी ना मैंने डाल दी इसमें कलौंजी ऊपर से और फिर अच्छे से इसको मिक्स किया। इसी बीच में ना बेटी की डिमांड आ गई कि मैगी खानी है, तो बस मैंने मैगी को आज ना अपने तरीके से बनाया। मुझे ना बॉयल मैगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने थोड़े से घी में प्याज हरी मिर्च और टमाटर को डाल के थोड़ा सा भुना और भूनने के बाद ना फिर इसमें मैगी मसाला और मैगी डाली। देसी घी में बनाई मैंने, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप मेरी तरह एक बार बना के देखना और फिर कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी। तो बस मैंने थोड़ी सी मैगी डाली इसमें, एक मैगी डाली थी उसी को खानी थी, मुझे तो बस ज़रा सी टेस्ट करनी थी, मेरा मन नहीं था खाने का, तो मैगी के साथ ही डाल दिया मसाला और पानी डाल के इसको इतना पानी डालेंगे कि इसे अच्छे से ये डिप हो जाए। बहुत ज़्यादा जूसी नहीं बनानी थी मुझको, सूखी सूखी ही बनानी थी, तो पानी डाल दिया और इसको ढक के ना पकाऊंगी मैं 15 से 20 मिनट हाई फ्लेम पर ही पकाऊंगी। नमक डालना भूल गई थी तो प्लेट हटा के फिर नमक डाला हल्का सा। फिर पता है बाद में ना सूख गई ना मैगी, तो थोड़ा सा नमक तेज ही हो गया था, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी थी। और ऊपर से ना मैं इसमें ना डाल दूंगी हरा धनिया, मुझे इस तरीके से बना के खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और बच्चे तो ऐसे हैं बस बॉयल करते हैं, मसाला डालते हैं और खा लेते हैं, पता नहीं क्यों मुझे वो मैगी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। इसमें ना मटर डालो तो और ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन बेटी को मटर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मटर नहीं डाली थी क्योंकि उसी को खानी थी मैगी। और थोड़े से ऊपर से डाल दिए हरे धनिया, तो देखने में भी सुंदर लगती है और हरे धनिया का तो स्वाद हर चीज़ में अच्छा लगता है। तो हरा धनिया डालने के बाद फिर मैंने ना सर्व करने को लिए एक ही प्लेट में रख ली। और सूप थोड़ा सा मेरा मन हो रहा था पीने का, तो फिर मैंने अपने लिए सूप गर्म किया और मम्मी जी से भी पूछा सूप पियेंगी, तो फिर उन्होंने बोला हाँ दे दो थोड़ा, तो फिर उनको भी देने गई मैं थोड़ा सा बटर डाल के। वो बहुत ही कम पीती हैं सूप क्योंकि टमाटर खट्टा होता है, तो खट्टी चीज़ें उनको कम पसंद हैं, तो पूछ रही हैं ये क्या पड़ा है, तो बताया मैंने बटर पड़ा है। फिर ये अपने लिए सूप और मैगी बेटी के लिए मैंने 3 फोर्क रख लिए हैं, क्योंकि थोड़ी सी मुझे भी खानी थी, टेस्ट करनी थी। तो बस फिर उसके बाद ना जो आंवले का अचार बनाया था वो हो गया था ठंडा। फिर मैंने एक कांच की जार में, साफ़ जार में, बिल्कुल पानी भी नहीं होना चाहिए उसमें, भर के इसको रख दिया। और कभी भी ना अचार में गीली चम्मच ना डालें, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। और ये अचार ना लंबे समय तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद ना खाना बनाने का हो गया था टाइम, मैंने सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बना ली थी। सब्ज़ी में बनाई थी आलू मटर और टमाटर की सब्ज़ी, तो आलू मम्मी और पापा जी के लिए निकाल दिए थे, बाकी सब्ज़ी हम लोगों ने खा ली थी क्योंकि मटर नहीं खाते हैं वो लोग, मैं पहले भी आपको बताया मैंने। तो यहाँ पर बस आटा लगा रही थी मैं, थोड़ा सा आटा पहले का रखा हुआ था, और दोपहर की थोड़ी बहुत रोटियाँ थी ना, तो बस उसी को देख के ही मैं आटा लगाती हूँ, जिससे कि आटा मड़ा हुआ बचे भी ना और सारी रोटियाँ भी यूज़ हो जाएं। क्योंकि रात को मैं आटा कभी भी ज़्यादा नहीं लगाती हूँ और ना ही फ्रिज में रखती हूँ। आटा रात को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। अगर बाई चांस ज़्यादा हो भी जाता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, 1-2 रोटी एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ और सुबह को रोस्ट करके खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर रोटियाँ वगैरह बना ही रही थी मैं, थोड़ा सा आटा गूंथ लिया था मिस्सी वाला, मिस्सी मतलब आटा गेहूँ और चना वाला। तो यहाँ पर रोटी वोटी बनाने के लिए मैं सबको बोल दिया था कि मैं रोटियाँ बना रही हूँ, आके सभी लोग खा लो, क्योंकि ना सारे लोग एक साथ खा लेते हैं तो जल्दी से काम भी ख़त्म हो जाता है और ख़ुद को भी आराम होता है। तो बस मैंने फ्राई पैन में उसमें ना अपनी टमाटर वाली सब्ज़ी बनाई है और मम्मी पापा जी की बिना टमाटर की निकाल दी है। तो रोटियां जो सुबह की रखी हुई थी ना, वो मैंने दूसरे हॉट केस में रख दी और ये वाला खाली कर लिया, इसमें अब ताज़ी बना के रखूँगी मैं। और रोटियां वगैरह सेकने के बाद मैंने बोला तो हस्बैंड जी आ गए थे किचन में, अपना भी लगा लिया था, मैंने लगा दिया था, बस उठा के लेके दे दिया मम्मी जी और पापा जी को। फिर मैंने अपना भी खाना लगा लिया, फिर बस मेरा ब्लॉग यहीं तक का था। अब आपसे आगे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड टेक केयर।